यहाँ कहाँ ढूंढूंगी फाइल? अरे ये फ्लिकर क्यों हो रहा है? ये मेंटेनेंस डिपार्टमेंट भी ना बिल्कुल यूजलेस है इस स्टोर रूम की तरह। कहाँ ढूंढूं? भूलिया, यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बात है यार, बड़ा अमेजिंग टैलेंट है, अपने आप से ही बात कर रही है। ये नहीं, आई थिंक वो पतली वाली फाइल थी। तुम? हाँ, तो तुम नहीं, हम। तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? नहीं नहीं, तुम समझी नहीं, मैंने अपने साथ तीन चार कैरेक्टर लेके चलता हूँ। हम है और तुम हो। तो तुम और तुम्हारे कैरेक्टर्स यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इसलिए आया हूँ ताकि मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तुम यहाँ फर्स्ट टाइम आई हो ना, तुम्हें आइडिया नहीं होगा तो लेट मी हेल्प यू। वो फाइनेंस वाली फाइल नहीं मिल रही है। अरे तो मैं हूँ ना। पहले इसे हटाओ, अब आंखों में जा रहा है मेरी। अरे मेरी हाथों में, तुम्हारी आंखों में नहीं है। अगर इसे बंद कर दिया ना तो अंधेरा हो जाएगा। तो मैं अंधेरे से डरती नहीं हूँ। तुम नहीं डरती अंधेरे से? जी नहीं। पक्का? बंद करो इसे। ठीक है, और एक काम करो, इसे पकड़ो पकड़ो। जस्ट हेल्प मी विद दिस। ओके ओके, जस्ट वांट टू सी कौन सी फाइल। तेरे ख्यालों में बीते राते, दिल मेरा मांगे एक ही दुआ, तू सामने हो और करूं मैं बातें, लम्हा रहे यूं ठहरा हुआ। पहले तो कभी यूं मुझको ना ऐसा कुछ हुआ, दीवानी लहरों को जैसे साहिल मिला। तुम्हारे बाल मेरे बालों से छोटे हैं। ठीक है। आई थिंक यही है, चेक करते हैं। ये नहीं होगी। एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा, एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा। ओ मेरे सुनिया वे छड़ सारी गलियां में, नाल तेरे तुर चलिया में, ले चलूं जिको दुनिया से तू दूर, चोरी चोरी जद तेनू तकिया में। गई गई हाँ, हाँ गई। पक्का? हाँ पक्का। मर जानी रे, मर जानी रा, कहनी जो थी कह दे वो बात। वहाँ पे थी वो, पेपर के नीचे अभी हो सकती है। अरे नहीं, पेट थोड़ी खरेगी, तुम जाओगी तुम पे चढ़ जाएगी, चली गई होगी वो। तुम्हें डर नहीं लगता? बिल्कुल नहीं। ए, ए, अच्छा ठीक है, तुम 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 रिलैक्स करो, मैं देख कर आता हूँ। ओके हाँ। छिपली ये प्राची, तुम्हारी जो चिपकली है ना, इस चिपकली से डर रही थी तुम? इससे लकड़ी है ये, सीरियसली मेरे को भी डरा दिया प्राची। चिपकली चिपकली चिपकली, हाँ देखो गिरी तुम्हारी चिपकली, इससे डर गई तुम, लकड़ी है। तुम मुझे एटीट्यूड क्यों दिखा रही हो? मैं तो तुम्हारी हेल्प करने आया था। आई लव यू चिकचिकी। रणवीर सर कहाँ है? वो स्टोर रूम गए हैं कुछ फाइल्स निकालने। पर वहाँ तो प्राची मैडम गई थी ना फाइल लेने के लिए। हाँ वो गई थी, बट उन्हें वहाँ गए हुए ज्यादा टाइम हो गया, तो हमारे जो इतने अच्छे केयरिंग सर हैं, वो देखने गए हैं कि प्राची अभी तक लौटी क्यों नहीं। बात सिर्फ केयरिंग बॉस की नहीं है, हमें पता है बात कुछ और भी है। इसको तो मैं बताती हूँ, मैं खुद कर सकती हूँ, मुझे पता है कहाँ क्या रखा है। अरे रिया, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, फिर हम लोग वो कॉलेज ट्रिप की बात करेंगे। ओके नो प्रॉब्लम। रणवीर सर, आपको मेहरा सर ने अपने कैबिन में बुलाया है। 5 मिनट्स सर। तुम्हें मैं दिखाई नहीं दी या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो?
तुम्हें मुझ में इतना इंटरेस्ट कब से आने लगा? अब तुम मेरे दोस्त की दोस्त बन चुकी हो, आई मीन रणवीर्स फ्रेंड, और उसका मतलब है कि तुम फैमिली बन चुकी हो, और जब सब लोग फैमिली बन जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि झूठ और ड्रामे होने चाहिए। अब तुम हमारी फैमिली बन ही चुकी हो तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली मान ही लूं। लिसन, डैड रियली लाइक्स यू, ठीक है, और रणबीर भी तुम्हारा दोस्त बन चुका है, पर ये नहीं पता कि वो तुम्हें पसंद करता है या नहीं, बट दोस्त तो बन चुका है, राइट? अब सब लोग तुम्हारे दोस्त बन गए, पूरी फैमिली तुम्हारी फ्रेंड बन गई, तो मैंने सोचा मैं क्यों रुकूं, मैं भी तुम्हारी दोस्त बन जाती हूँ। लिसन राजी, आई रियली लाइक योर मदर, आई अडोर हर, ठीक है, और ये सब हमारी लड़ाई कब तक चलेगी, हम छोटे बच्चे थोड़े ना है, तो हम लोग दोस्ती कर लेते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि तुम मेरी दोस्ती का फायदा नहीं उठाओगे। यू नो व्हाट रिया, जब तुमने वो दोस्ती वाली शुगर कोटेड बातें की ना, तो मुझे लगा था नहीं मैं ना बोलती, लेकिन अभी तुमने कहा ना कि मेरी दोस्ती का फायदा मत उठाना, तो आई वॉज रिलीव। मुझे लगा कि मेरे सामने रिया खड़ी है, एक्चुअल रिया, जिसे मैं जानती हूँ, क्योंकि फैमिली वाली बातें करने वाली लड़की रिया नहीं हो सकती, फायदा उठाने की बातें करने वाली लड़की रिया हो सकती, लेकिन ये रिया जो भी है, अगर फैमिली है तो दोस्त भी है, व्हाई नॉट, रियली फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, तो हम इस दोस्ती की शुरुआत तुम्हारी मनपसंद चाय से करें जो बाहर मिलती है। चलो, मैं भी चलूं चाय पीने। Why not? चलो। तुम्हें सच में बाहर की चाय पीनी है? नहीं, बाहर तो मैं तुम्हें अपने जाल में फंसाने लेके जा रही हूँ। Actually, हाँ भी और नहीं भी, हमारे कॉलेज में फैशन शो शुरू होने वाला है, यू रिमेम्बर, एंड उसमें इंडियन वेयर पहनना है, एथनिक ड्रेसेस एंड ऑल, और तुमसे बेटर कौन जानता है, यू लुक लवली और तुम्हारा सूट बहुत प्यारा है, तो मैं चाहती हूँ तुम मेरी इंडियन ड्रेस देख। अभी समझ में आया तुम्हारा दोस्ती का ऑफर, लेकिन जो भी है मजा आएगा, चलो चलो चलो। ओह थैंक गॉड आप यहाँ, मैं वो कब से ढूंढ रहा हूँ। हाउ आर यू? गुड, सिट 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 सिट, व्हाट्स हैपनिंग? ऑल गुड। आहा, ये ले फाइल पर। ये क्या? शिफा, आपको नहीं लगता ये बहुत बहुत ज्यादा ही बड़ा प्रोजेक्ट है? आई थिंक इट्स टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी, बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तू भी तो बड़ा होता जा रहा है ना, और लाइफ में ना हर उम्र अपने साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेकर आता है। दैट इज राइट शिफा, आई अंडरस्टैंड, और मेरे को तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही है देख के, बट जितनी एक्साइटमेंट हो रही है उतनी नर्वसनेस भी हो रही है, मैं एक्साइटमेंट और नर्वसनेस के साथ मैं थोड़ी ये वाला प्रोजेक्ट संभाल पाऊंगा। अरे मैं इस फीलिंग से गुजर चुका हूँ, और मैं जानता हूँ इस फीलिंग के बाद तेरे साथ क्या होने वाला है। आई कैन सी द फ्यूचर। क्या बात कर रहे हो, टेल मी ना। अरे क्या टेल यू, ये सिंगर तो मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए हूँ ना, आजकल यही करता हूँ मैं, फॉर्च्यून टेलिंग, मतलब फ्यूचर प्रेडिक्ट करना। क्या ऑनलाइन यही काम है? अरे ऑनलाइन नहीं, आप सही में फ्यूचर देख सकते हो क्या? अरे सब कुछ देख सकता हूँ, और मैं मुझे दिख रहा है कि तू ना ये रिश्तों की डोरी में लिपटता हुआ जा रहा है, पर एक नया रिश्ता बांधने वाला है तू अपनी जिंदगी में। आई थिंक यू आर इन लव। नहीं 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 चीफ, ये फॉर्चून टेलिंग थोड़ा आपका खराब हो गया, ऐसा कुछ मैं लव वव मैं, आपको तो पता है मैं कैसा हूँ। चलो मैं तो तुझे ये भी बता सकता हूँ कि वो लड़की इसी ऑफिस में। चीफ तो सब जानते हैं यार, उन्हें पता है कि मैं प्राची से प्यार करता हूँ। एक्चुअली मुझे कुछ कुछ दिख तो रहा है, शक्ल दिख रही है लेकिन पहचान नहीं पा रहा हूँ, पर एक एक नेम प्लेट है, पर नेम प्लेट के ऊपर नाम नहीं दिख रहा। हाँ पर कुछ दिख रहा है कि तुम दोनों की शादी होने वाली है, और ये भी दिख रहा है कि कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगी, अगर प्रॉब्लम्स आएगी भी तो आप मंगल की पूजा करा के निकाल देना ना। अरे मंगल बुध शुक्र इस सबको मैं संभालूंगा, तू सबकी टेंशन मत ले, तू जाकर बात शुरू कर, बिकॉज एनी टाइम इज द राइट टाइम, देयर इज नेवर अ राइट टाइम बट देयर इज ऑलवेज अ राइट टाइम, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? बट आपको नहीं लगता अगर लड़की ने मना कर दिया तो? क्या यार, तू मैं ब्लफ कर रहा था, तूने सच बता दिया। अब कब
आप लव कर रहे थे, मतलब वो प्रॉब्लम आप सॉल्व कर दोगे मंगल मंगल को? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, मैं प्रॉब्लम आने भी नहीं दूंगा, लेकिन तुझे आकर उसकी फैमिली से बात करनी होगी, और मैं बता रहा हूँ उसकी फैमिली की तरफ से यस ही यस होगा। क्या बात करो जी, बट आप कह रहे हो कि मैं अकेला जाऊँ उसकी फैमिली से बात? और नहीं तो क्या, जाना पड़ेगा तुझे। आप बात बहुत अच्छे करते हो, एक काम करो ना, आप चलो ना मेरे साथ में आकर अपने आप से क्या बात। अपने आप से कैसे मतलब? मतलब मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोलते जाता हूँ, कभी कभी मैं पागल हो जाता हूँ। मतलब ये है कि तो ब्रेक दिया इस राइट, तो तुझे अगर फैमिली से बात करना होगा तो तुझे अगर बात कर, बाकी मैं हूँ संभालने के लिए। एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, प्रपोज टू द गर्ल, ऑल राइट? यू प्रपोज टू हर। चीफ पहले ध्यान से देखो मेरे को, मैं वो मना तो नहीं करेगी मुझे? देखो अभी इंडियन से चाइनीज क्या बन रहे हैं। मना नहीं करेगी, मैं बता रहा हूँ नवी शादी होकर। पक्का ना? 100% गो। ऑल द बेस्ट। हसी ना मान जाएगी शायद। चीफ ने हाँ बोल दिया, चीफ ने बोल दिया कि लड़की मान जाएगी, मेरा रिश्ता पक्का। मैं प्राची को लेकर आ रही हूँ। गाड़ी कहाँ है तुम्हारी? उसी में है ना ड्रेसेस? हाँ, पहले कटिंग चाय पी के आते हैं। नहीं नहीं, पहले कपड़े देख लेते हैं, फिर से ऑफिस भी तो जाना है ना। और रणबीर पता है ना कैसा है, उसको स्टाफ नजर नहीं आया तो पूरा ऑफिस सर पे उठा लेगा, बच्चों की तरह रूठ जाएगा। कार में तो है ही नहीं कुछ, दिखाऊंगी क्या? तो माया कर क्या रही है, जल्दी से क्यों नहीं आती? क्या हुआ, किसे ढूंढ रही हो? कुछ नहीं, कार। चलो ना, कहीं माया ने माइंड चेंज नहीं कर लिया, कहीं लास्ट मिनट भाग गई हो। अरे ये ऐसे क्यों चल रही है बीच रास्ते में? गाड़ियां जा रही है। माया, प्राची को क्या हुआ? भागी तो ऐसे जैसे अपना दोस्त देख लिया। को पता खोए खोए रहते हम यहाँ हैं, सिलसिलों का सिलसिला है हुआ शुरू, अब जो निकले भी जाएं अब से है हम राही चाहतों के, ये जैसे पहला नशा वो पहली नजर पहली
फैला घुमा यूं लगे मोहब्बत ही जहां है दोस्तों की दोस्ती यारों की यारी कम लगने लगी बहके हैं हम बहका ये समा क्या हो गया है तेरे को? प्यार हो गया है मेरे को। बैठ बैठ कम सिट। तो भाई क्या चल रहा है? आशिकी चल रही है। सच्ची आशिकी। तेरे भाई को सच्चा प्यार हो गया यार। True love। I'm so happy for you, bro. Thanks, bro. तुझे पता है कि ना feeling बहुत अजीब है यार। मैंने life में कभी पहले ऐसे experience नहीं करी feeling। मुझे ऐसा लग रहा है कि कैसे बताऊँ कि प्यार ना होता तो क्या होता? कितनी खराब होती दुनिया। मुझे नहीं बनना। मुझे कोई बड़ा आदमी नहीं बनना। मुझे कोई बड़ा काम नहीं करना। मुझे कॉलेज का सबसे फेमस बच्चा नहीं बनना। वैसे मैं हूँ पर मुझे ये सबसे कोई मतलब नहीं है। मुझे ना अब एक सच्चा आशिक बनना है। एक सच्चा आशिक जिसका सिर्फ एक काम प्यार बांटो प्यार लो प्यार बांटो प्यार लो। मैं ना प्राची को प्यार करना चाहता हूँ। मैं सिर्फ और सिर्फ उसे प्यार करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं उसे खुश रखूँ छोटा सा घर बनाऊँ जिसमें वो और मैं मुझे बस ये लगता है कि देख मैंने तो सपने सजा लिए पर मैंने उसको अभी तक प्रपोज नहीं किया और उसने रिजेक्ट कर दिया तो उसने मुझे बोल दिया मैं उसके पास जाऊं बोलूं कि हे प्राची आई लव यू और मुझे बोले आई ओनली लाइक यू एज अ फ्रेंड। ओके अबे पागल वागल हो गया क्या? कैसी बातें कर रहा है? फ्रेंड तो नहीं बोलेगी, हाँ ही बोलेगी 100%। आई होप आई जस्ट विश ऐसा हो। मुझे बस डर है कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो सोचना कि अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो मेरा तो बैंड बज जाएगा मेरी। ऑल्दो मैं ईगो पे नहीं लूंगा पर मैं दिल पे तो ले लूंगा। और जितनी छोटी बहुत आशिकी मैंने करी है उसमें मैंने एक चीज सीखी है कि प्यार हमें प्यार में खुश रहना सिखा देता है बट प्यार में कैसे ना रहो वो कोई नहीं सिखाता। I just hope यार। और अगर उसने मुझे मना कर दिया तो और मैं तो पागल आशिक हो गया हूँ उसके घर के बाहर जाके प्राची 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 चिल्लाता रहूँगा। भाई मेरे को तो तू फुल ऑन पागल अभी से ही लग रहा है। अगर तुझे मैं पागल लग रहा हूँ तो फिर मुझे रिजेक्ट कर देगी। अबे यार ऐसा नहीं होने वाला यार। स्टॉप बीइंग सो नेगेटिव। देख याद कर ऐसी कोई लड़की है जिसने कभी तेरे को रिजेक्ट किया है? अबे क्योंकि ऐसी कोई लड़की बनी नहीं है जो तुझे रिजेक्ट कर सके। याद कर कॉलेज के दिन बादशाह खुदकुशी करना गुनाह है? कैसे सोच सकती हूँ ऐसा? तुम ना मुझे लेक्चर मत दो। तुम्हारी वजह से मेरे पास सुसाइड करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा है। मेरी वजह से? हाँ तुम्हारी वजह से। तुमने मुझे और रणवीर को देखा था पार्टी में। तुमने देखा था कि वो कितना क्लोज था मेरे। तुमने देखा था कि उसने मुझे किस किया था और फिर वो मुझे रूम में खींच के ले गया। तुमने सब कुछ देखा था फिर भी तुमने पुलिस को क्या कहा? कि रणवीर बेकसूर है। रणवीर ने कुछ नहीं किया है। रणवीर एक बहुत अच्छा लड़का है। मुझसे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मिसअंडरस्टैंडिंग? सीरियसली? मेरे साथ मोलेस्टेशन हुआ है प्राची। और ये एक टॉर्चर है कि एक लड़की किसी से नहीं बता सकती और फिर रणबीर को पुलिस से बचा लिया जाता है। मुझ पे क्या बीत रही है वो सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तुम नहीं कभी कुछ समझोगी क्योंकि तुमने तुम्हारे स्टेटमेंट ने उसे बचा लिया। मेरे साथ कोई नहीं था जबकि उसे सजा मिलनी चाहिए और मुझे इंसाफ। पर मुझे क्या मिल रहा है? सिर्फ जिल्लत। बाहर लोग क्या बोल रहे पता है? कि मैं उस पार्टी में इसके लिए गई थी ताकि ये सब कर सकूं। सब कह रहे हैं कि मैं पैसों के लिए ये सब कर रही थी। प्राची क्या एक लड़की अपनी इज्जत के साथ ये सब करेगी? तुम एक लड़की हो बल्कि तुम्हें सब कुछ पता होना चाहिए कि लड़की के लिए उसकी इज्जत सब कुछ होती है। रणबीर ने पार्टी में मेरा मोलेस्टेशन किया और बाहर सोसाइटी कर रही। मैंने बस हंस के क्या बात कर लिया? उसने मेरे साथ ऐसा किया जबकि तुम उसकी फ्रेंड हो। तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कभी उसने तुम्हारे साथ ऐसा नहीं किया क्योंकि तुम लकी हो।
पर मैं तो अनलकी हूँ ना, मेरे साथ ऐसा हुआ, मेरी लाइफ के साथ ऐसा हुआ, और अब मेरे पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे मरने के बाद मेरी मौत का जिम्मेदार तुम और रणबीर होगे। डोंट वरी, मैं कोई सुसाइड नोट नहीं लिख के जा रही हूँ, पर मेरी नजरों में तुम और रणबीर मेरे मौत के जिम्मेदार होगे। मैं जी लेती अगर रणबीर को सजा मिल जाती, पर तुमने ऐसा होने नहीं दिया। अब मुझे इंसाफ दिलाओ, वरना प्लीज मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं रहना जिंदा, प्लीज मुझे मर जाने दो, मुझे नहीं जीना।